सुप्रभातम छात्रा वर्चुअल कालांशम प्रति सर्वेषां कृते हार्दम हार्दम अभिनंदनम। अहम मंजुलता राणा टिकलीपड़ा उच्च विद्यालय से संस्कृत शिक्षिका। वर्तमान विद्या आरंभ करने पूर्व श्री गणपति बाबा को आम स्तुति करवा। ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजा नंदन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। वर्तमान में स्मार्ट बोर्ड पाख को जीवा। वर्तमान में दशम श्रेणी रो अनुच्छेद पढ़ा आरंभ बा यही पाठ को आरंभ करने पूर्व मुते गुड़े प्रश्न पचारूँ पे उत्तर देव। अस्माकं देशस्य नाम किम्? अस्माकं देशस्य नाम किम्? आंभ मानंकर देशर नाम कौन? आमर देशर नाम उत्तर रे हेबो भारत देश। आंभर देशर नाम भारत देश बा भारत वर्षम। द्वितीय प्रश्न, भारत देशे के प्रमुख धर्म प्रचारक आसन? ए भारत देश रे किए किए प्रमुख धर्म प्रचारक रूप से धर्म प्रचारक किए किए थे? यही भारत देश रे किए किए प्रमुख धर्म प्रचारक थे? उत्तर हेब गुरु नानक, श्री चैतन्य, गौतम बुद्ध इत्यादि। एतेषु कः परोपकाराय स्वजीवन त्यक्तवान्? एतेषु कः परोपकाराय स्वजीवन त्यक्तवान्? एमानंक मध्यरे किए परर उपकार पई निजर जीवन को त्याग करितिले? उत्तर हेब गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। वर्तमान में परर उपकार पई बा अन्य मानंकर मंगल पई के कोन प्रदान करचंती एही लोकरे जानिबा। उपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अर्थात परर उपकार पई बा परर मंगल पई फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष फल प्रदान करिथान्ति। अर्थात वृक्ष खाली फल नुह, केवल फल प्रदान करिनांति, वृक्ष आमको फल छाई अम्लयान दे आमको प्रदान करि दैछन्ति बा वृक्ष सही परि भावरे आम परर उपकार करि सारिछि। प्रतिदिन मध्य सही वृक्ष सबु दिन पई परर उपकार पई सबुले प्रस्तुत रहिछि। परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परर उपकार पई नदी मध्य आमको जल प्रदान करुछि। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परर उपकार पई मध्य गाई आमको क्षीर प्रदान करुछि। परोपकारार्थम इदम शरीरम, एही शरीर मध्य भगवान आमको परर उपकार पई प्रदान करिसंति। मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। भगवान मध्य आमको पशु पक्षी कीट पतंग समस्तंग ठारु अलगा रूपरे सृष्टि करिसंति एवं सद्ज्ञान सद्विवेक सत्चिंतन प्रदान करिसंति। केवल मनुष्य ही परर उपकार पई एही शरीर धारण करिछि, तेणुकर एही शरीर हेउछि परर उपकार पई। वर्तमान आम एही अनुच्छेद को पढ़ा। अनुच्छेद नाम हेउछि सन्निमित्ते वरम त्याग। सन्निमित्ते वरम त्याग, सत्कार्य आम दान करिबा बा त्याग करिबा हेउछि मंगलप्रद बा श्रेष्ठ कर्म। देख मु पढ़ुची तुम्हें धीरे स्थिर भाव मन दे देख। पूरा बोधिसत्व ब्राह्मण कुले जातः सः अत्यंत मेधावी अल्पेन कालेन सकलः विद्याः अधीतवान् अध्ययनात् परं संसार सुखं त्यक्त्वा स वानप्रस्थम् अकरोत्। एकदा बोधिसत्व वने भ्रमन् पर्वतगुहायां स्थितामेकां व्याघ्रीम् अपश्यत् सा ततक्षणमेव सावकान् प्रसूतवती। अतः व्याघ्री खाद्य संग्रहार्थम् असमर्था सती योधया व्याकुला अभवत्। दयालुः बोधिसत्वः तस्याः व्याकुलतां ज्ञात्वा चिन्तितवान्
हन्त जीवस्य दुःखम् अत्र खाद्यं कः दास्यति खाद्यं विना व्याघ्री मरिष्यति एव मम इदं अनित्यं शरीरं वृथा भविष्यति अतः मम शरीरेण व्याघ्रयः जीवनं रक्षिष्यामि इति निश्चित्य स महात्मा व्याघ्री समीपं गतः व्याघ्री अपितं भुक्त्वा तृप्ता जाता एवं भगवान बुद्ध शतवारं परार्थे प्राणान् त्यक्तवान् तादुक्तं धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञौ सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशो विनाशे न्यते सति वर्तमान यही अनुच्छेद केते गुड़े कठिन शब्द अछि आमे ता जानी नेबा भ्रमण बुलु बुलु ज्ञात्वा जानी परार्थे परपाई प्रसूतवती जन्म देला व्याघ्रिम बाघुणी को थया भोकरे अनित्यम क्षण भंगुर दास्यति देव उसृजे त्याग करिबा वर्तमान यही अनुच्छेद रे केते गुड़िया संधि विच्छेद अछि सीताम एकम सीताम युक्त एकम ततक्षणमेव ततक्षणम युक्त एव साधुक्तम साधुयुक्त उत्तम सन्निमित्ते सद्युक्त निमित्ते त्यागो विनाशे त्यागः युक्त विनाशे वर्तमान में यही अनुच्छेद तो पढ़िला यही अनुच्छेद ओडिया अर्थ बुझिबा पुरा बोधिसत्व ब्राह्मण कुले जातः पुरा अर्थ आग कालरे बोधिसत्व नामरे जने शिशु ब्राह्मण कुलरे जन्मग्रहण करिथिले सः अत्यंत मेधावी से बहुत ज्ञानी थिले अर्थात से उत्तम छात्र थिले अल्पेन कालेन सकलाः विद्याः अधीतवान् अल्प समय मध्यरे वा अल्प काल मध्यरे समस्त विद्या को से अध्ययन करिथिले अध्ययनात् परम संसार सुखम त्यक्त्वा सः वानप्रस्थम करोत् अध्ययनात् परम से पाठ पढ़ी सारिबा परे संसार सुखम संसार र सब सुख को त्यक्त्वा त्याग करि सः वानप्रस्थम करोत् से वानप्रस्थ ग्रहण करिथिले पासे वन जंगल रे जाई रहिथिले एकदा बोधिसत्व बने भ्रमण एकदा थरे बोधिसत्व बनरे बुलुथिबा समय रे बा बुलु बुलु पर्वत गुहायम पर्वत गुंफारे थिबा स्थित्वा मेकम पर्वत गुंफारे थिबा एठारे गोटे संधि विच्छेद अछि स्थित्वा मेकम स्थितम युक्त एकम पर्वत गुहायम स्थित्वा मेकम पर्वत गुंफारे थिबा एक व्याघ्रिम अपश्य एक व्याघ्री बा बाघुणी को देखिले सा ततक्षणमेव सावकान प्रसूतवती सा एठारे स्त्रीलिंग रहिछि सा सही बाघुणी ततक्षणमेव सांगे सांगे सावकान शिशु मानंकु प्रसूतवती जन्म देथिले सही बाघुणी सांगे सांगे निजर शिशु मानंकु जन्म देथिले अतः व्याघ्री खाद्य संग्रहार्थम असमर्था सती एणुकरी सही व्याघ्री बा बाघुणीटी खाद्य संग्रह करिबा पई समर्थ होइ नथिला असमर्थ होई युधया भोकरे व्याकुल हेउथिला दयालुः बोधिसत्वः सही बोधिसत्व कि भली थिले दयालु थिले सही दयालु बोधिसत्वः तस्याः व्याकुलतां ज्ञात्वा सही बाघुणीर व्याकुलताकु जाणि चिन्तितवान् चिन्ता कले हन्त जीवस्य दुःखम् हायरे जीवनर दुःख अत्र खाद्यं कः दास्यति एठारे खाद्य किए देव अत्र खाद्यं कः दास्यति एठारे खाद्य किए देव काहाकु बाघुणी को एठारे खाद्य किए देव खाद्यं बिना व्याघ्री मरिष्यति एव खाद्य बिना खाद्य यदि बाघुणी को दिया जीव नहीं खाद्य बिना बाघुणी निश्चित भाव रे मरि जीव मम इदं अनित्य शरीरम मोर शरीर हेउछि अनित्य एही अनित्य शरीर यदि मु एठारे देखुथिबि आउ यदि बाघुणीटा मरि जेबा ताहेले मम इदम अनित्य शरीरम वृथा भविष्यति ताहेले मोर एही अनित्य शरीर जेउटा कि सबदिन रही परिबा नाही क्षणभंगुर शरीर वृथा होइ जेबो तेनु करी अनित्य जेउटा सबदिन रही थाए अनित्य जेउटा अल्प समय पई आसी थाए एवं चली जाय थाए तेनु करी गोटे श्लोक रे
श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन को कहिसंती वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न बाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति न बाणि देहि। अर्थात आम शरीर हेउछि क्षण भंगुर एवं आम आत्मा हेउछि चिरस्थायी। जे भली भावरे आमर पुरुणा वस्त्र आमे पिंधि सारे फोपाड़ी देता फिंगि दे ठीक से हीपरी आमर यही आत्मा जिते शरीर नष्ट हो जाए आत्मा आउ गोटे आत्मा को आउ गोटे शरीर को चली जाए तेणुक आम शरीर हूँ अनित्य। तेणुक बोधिसत्व चिंता करछन्ति मम इदम शरीरम मोर यही अनित्य शरीर जदि वृथा हो मोर जीवन माने किसी रही तेणुक अतः मम शरीरेण व्याघ्र यह जीवनम रखिष्यामि। एणुक मोर शरीर द्वारा शरीर को प्रदान करी व्याघ्रीर बाघुणीर जीवन को रक्षा करी इति निश्चित यह चिंता करी बा यह भावी स महात्मा व्याघ्री समीपम गतः सही महात्मा बोधिसत्व बाघुणीकर पाखकु निकटकु गले। व्याघ्री अपितम भुक्त्वा तृप्तयाता व्याघ्री मध्य सही बोधिसत्वंकु भुक्त्वा भोजन करिबा खाई तृप्ता जाता तृप्ति हेला बा आनंद अनुभव कला। एवं भगवान बुद्ध शतवारम एही भली भावरे भगवान सहे थर परार्थे प्राणं त्यक्तवान। सही बोधिसत्व हेउछंती भगवान बुद्धंकर गोटे अवतार। एही भली भावरे भगवान बुद्ध सहे थर परर मंगल पई निजर प्राण को त्याग करथिले। साधुक्तम साधु माने कहि जाइछंती धनानी जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उसृजेत धन निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अर्थात प्राज्ञ विज्ञ व्यक्ति माने विज्ञ व्यक्ति माने धन एवं जीवन को अन्यर उपकार पई परर उपकार पई त्याग करबा उचित काहेकि ना एही विनाश लगुवा क्षण भंगुर शरीर सत्कार्य पई त्याग करबा उचित। हेला देख पिला माने आउ थरे मु तुमको दे दउछी फटफट पूरा बोधिसत्व आग काल रे बा पूरा काल रे बहु आगरु बोधिसत्व नाम रे जने शिशु ब्राह्मण कुल रे जन्म ग्रहण करथिले से अत्यंत मेधावी थिले। अल्प समय मध्ये से समस्त विद्या को अध्ययन करथिले। अध्ययन करि सारिबा परे से संसार रो सुख को त्याग करी जंगल रे बसवास करथिले अर्थात वानप्रस्थम ग्रहण करथिले। एथरे बणरे जाउथिबा समय रे बा बुलुथिबा समय रे पर्वत गुंफा रे थिबा एक व्याघ्री को देखिले जेउ व्याघ्री की सा सेही व्याघ्री सांगे सांगे निजर छुआ मानंकु जन्म देइथिला। तेणु करी सेही सांगे सांगे जन्म देइथिबा कारण रु व्याघ्री निजर खाद्य संग्रह पई असमर्थ हेतु क्षुधारे भोकरे बहुत व्याकुल हेउथिला। सेतेबेले दयालु बोधिसत्व सेही बाघुणीर व्याकुलता को जाणी चिंता कले हे भगवान बा हाय रे जीवन रो दुख एही बाघुणी को जदि वर्तमान खाद्य दिया जीव नाही ताले से सुनिश्चित भाव रे मरि जीव। एणु करी मोर एही अनित्य शरीर जेउटा कि क्षण भंगुर एही शरीर होई जीव मु जदि एही व्याघ्री को बचाई पारिबे नाही ताले मोर क्षण भंगुर शरीर वृथा होइ जीव। एणु करी मम शरीर एण मोर शरीर द्वारा बा मोर एही शरीर को त्याग करी बा व्याघ्री को प्रदान करी मु तार जीवन रक्षा करी। यहा चिंता करी महात्मा बोधिसत्व बाघुणी निकट को गले। व्याघ्री मध्य सही बोधिसत्व को भक्षण करी निजर क्षुधा मेंटाई आत्मतृप्ति पाइले बा संतुष्ट हेले। एही भली भावरे भगवान बुद्ध सहे थर परर मंगल पई बा परर पई से निजर जीवन को त्याग तेणुक साधु मैंने कही जीवन एवं धन विज्ञ व्यक्ति मैंने विज्ञ व्यक्ति मैंने कौन करवा उचित पर उपकार धन एवं जीवन को त्याग करवा उचित। जेहेतु आम शरीर हूँ क्षण भंगुर विनाश लगुवा यह क्षण भंगुर शरीर सत्कार्य त्याग करवा उचित। है बर्तमान आम यही पर उपकार प्रसिद्ध लाभ करते जन
राजा ऋषि मानकर कथा जानवा प्रथम चित्र देख शिवि राजा शिवि लेखाई शिवि राजा कहानी तुम मैंने जान देख शिवि राजा कहानी शुणा पूर्ववंश जे राजा थे जीकर नाम था शिवि राजा से अत्यंत परोपकारी थे दानी थे थे कण हो देवराज इंद्र एवं अग्नि स्वर्ग लोक से शुणा को पाइले शिवि राजा बहुत दानी अटंती राजभवन को जी भी आसुना कहीं खाली हाथ में फेरुना शंका जत है से अविश्वास कले महाराजा शिवि को परीक्षा करने दुई जन यही राजभवन को आसिले अग्नि देवता कपोत रूप से आसिले तथा पारा रूप से आसिले इंद्र गोटे आसिले जोटा कि संचाण होते अग्नि देवता दौड़ी दौड़ी आसिकी पारा रूप से यही शिवि राजा कूल से पहुंची कहले हे महात्मा मु तुम शरणागत मु तुम थे शरण पशिची मो जीवन को रक्षा कर से संचाण आसी कहती हे महाराज हे धर्मात्मा महाराज आपण होती राज्यर राजा अजात शत्रु जहाँ शत्रु बोली कही ना शुणा को पाऊँ तेणुक मु आपण को नवेदन करुच्ची पक्षी हूँ मोर भोक मेटाइबार रास्ता अर्थात यही मोर भोक को निवारण कर तेणुक मत यही पक्षी को प्रदान करतु से राजा शिवि कही हे पुण्यात्मा आपण जी भी होना कहीं मु पक्षी मोर शरण से आसी शरण से आसी लोकंर जीवन रक्षा करवा मोर कर्तव्य तेणुक आपण यही पक्षी बदल में जदि अन्न किसी चाहती मागिपारती से ही छंचाण से पक्षी भी कही ना मु आउ किसी चाहे ना यही पक्षी ही मोर श्रेष्ठ संपद तेणुक यही पक्षी को मत दे दिंतु राजा बहुत विनती आकृति विनती कहले ता बदल तुम मत चाहूछ अर्थात मत तुम भक्षण करने को चाहू ताल भी मुझे प्रस्तुत किंतु मु पक्षी को कौन सी हिसाब से नापर से ही संचाण रूपी इंद्र कहले तुम्हें आपण जदि एमती चाहूंता पक्षीर ओजन जी ओजन रंस आपण शरीर रू दियंतु से राजा बहुत खुशी हो जाते एवं कहले कि पर उपकार जेहेतु मोर जीवन काटिपी तालोले भावने भी जो मोर जीवन सार्थक है तापर शिवि राजा कौन करते गोटे पटे यही पारा को बाई पक्षी को रखी थे निकीतिर एवं गोटे पटे निजर मंस को निजे काटि काटि दौले हेले देखिले जे पक्षी ओजन रंस एपटे संपूर्ण हो पारा ना अर्थात पक्षी ओजन रहीपारा ना शेष कौन कले शिवि राजा निजे जाकीतिर गोटे पटे बसी पड़े देख चित्र अच्छी गोटे पटे शिवि राजा बसी जाइंट आउ गोटे पटे अच्छी पक्षी तापर देखिले किए देखुले अग्नि एवं इंद्र अग्नि देवता मध्य देखुले देवराज इंद्र मध्य देखुले ए सबू देखिकी परीक्षा खुशी हो गले आनंद होले एवं कहले निजर प्रकृत अवस्था को आसीगले इंद्र इंद्र अवस्था को आसीगले अग्नि अग्नि अवस्था को आसीगले कहले धन्य राजा तुम्हें धन्य प्रकृत में तुम जीवन शैली सहकाल पर लिपिबद्ध हो रही आम साधारण पक्षी नु आम निजे इंद्र एवं अग्नि रूप से आपण को कौन करने परीक्षा करने आसी परीक्षा जयजुक्त करय तुम राजापण यह कही से दुईज से राजा इंद्र एवं श्रीदेवता से आशीर्वाद दे शिवि राजा को चलीगली सेठे शिवि राजा बहुत खुशी होते जे परर उपकार सब प्रस्तुत अच्छी तेणुक आम जानवाक पाइबाजे शिवि राजा तर मनोवृत्ति अर्थात परोपकार भावना किभली आउ गोटे चित्र अच्छी देख महर्षि दधीची बहुत कठोर तपस्वी थी जे कि स्वर्ग मत्स्य पाताल को कण कर तपस्या बल से हरहर करुले एक कण कले इंद्र जानी गले जे प्रकृत रे एही महर्षि दधीची काले मोर इंद्रपद को नहीं जीवे तो अर्थात यही तांकर तपस्या बल से निजे इंद्रपद को नहीं जीवे यह भावी से बहुत ईर्षापरायण होपटे देखिले जे वृत्तासुर नाम जन असुर था जी कि स्वर्ग मत्स्य पाताल समस्त अस्तव्यस्त कर दौर समस्त
गति करने को लगे से इंद्र जिते बे ब्रह्मा पाखक गले कहले हे ब्रह्मा हे प्रभु मुभली भाव वृत्तासुर ठार रक्षा करी संसार को जिते बे ब्रह्मा कही महर्षि दधीचि बोली जड़े महर्षि अच्छा से जदि इच्छे अस्थि हाड़ को प्रदान करेंगे ताहले जी आमर यही संसार सुखर वातावरण देखादेव तापर महर्षि दधीचि पाखक इंद्र आसवाप बहुत लज्जित थे कहीं महर्षि दधीचि को से ईर्षापरायण होते से महर्षि दधीचि बहुत क्षति करने चाहूल आवुले मुझे किभली भाव जा महर्षि दधीचि को निजर अस्थि दान करूँ बोली कह भावना नहीं से टे संकोच मना होते कि देखिले द्वारा ही धरापृष्ठ को रक्षा करहब तेणुक से कौन कले महर्षि दधीचि निकट को आसिले से महर्षि दधीचि ध्यान मग्न थे से आसिकी बहुत विनम्र अनुरोध कर कहले हे महर्षि दधीचि आपणकर पाखे गोटे नवेदन थी महर्षि दधीचि कहले निसंकोचरे कहतु किंतु इंद्र सबुबले कुंठा प्रकाश करते कि भाव में कहे आपण जीवन आमको दान करूँ तेणुक से कौन करुले बहुत संकोच करुले कहते महर्षि कहले आपण कौन सी प्रकार किसी भावना न रखी कहतु से इंद्र कहले हे महात्मा हे महर्षि आपण जदि स्वइच्छे आपणकर अस्थि हाड़ को जब प्रदान करेंगे तेल दुक्तासुर आपणकर अस्त्र हाड़े गोटे ब्रह्मास्त्र तैयारी हेब जो कि दुक्तासुर मर एवं संसार सुखर संभावना हेब तापर महर्षि दधीचि बहुत खुशी होते कही प्रकृत में एमती यही परर उपकार संसार उपकार करने जदि मोर शरीर एत आवश्यक ताल भावी मोर जीवन धन्य होगापर से महर्षि सांगे सांगे कौन कले ध्यानमग्न हो स्वइच्छा मृत्युवरण कले स्वइच्छा से निजर शरीर त्याग करीर त्याग कर सारापर से हाड़ कंकाल जो इंद्र नहीं ब्रह्मास्त्र तैयारी करते से ही ब्रह्मर अस्त्र ब्रह्मास्त्र द्वारा वृत्तासुर को जीवन कर धरापृष्ठ सुखर वातावरण सृष्टि करें सुख फेर पारि आउ कि हाड़ रही जो हाड़ कि श्रीकृष्ण भगवान वंशी तैयारी तेणुक एमती अनेक अच्छा जो मैंने कि परर उपकार निजर जीवन को उत्सर्ग कर निजर जीवन को धन्य कर अल्प समय मध्य आसी से मैंने निजर जीवन को सदा सर्वदा परर उपकार प्रस्तुत था जो अनुच्छेद पढ़ला अनुच्छेद अनुच्छेद जाणला सन्निमित बरम त्याग सब कार्य दान हो मंगलप्रद व श्रेष्ठ पद से ही अनुच्छेद किसी नीति शिक्षा जाणला से ही नीति शिक्षा हो अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परम तप अहिंसा परम सत्य यतो धर्म प्रवर्तते अर्थात अहिंसा हेउची श्रेष्ठ धर्म अहिंसा हेउची श्रेष्ठ तप अहिंसा हेउची श्रेष्ठ सत्य सत्य ठारु बोली आउ किछि संसार रे नाही जहा द्वारा कि धर्म रो स्थापना आम यही धरापृष्ठ रे होई पारि जदि आम सत्पथरे सत्कार्य सत्कर्म जी आम जीवन को उत्सर्ग कर जीवन धन्य हो पार एक पदरे जदि आम कह चाहिबा ताहले सत्कार्य दान हेउची श्रेष्ठ दान आम जानिथिबा कहार छोट शिशु हेले धर्मपद कण करथिले भारत बढ़ीकर जीवन रक्षा पई निजर जीवन को उत्सर्ग करथिले केवल बार वर्षर शिशु आउरी मध्ये जानिथिबा आम बाजी राउत कथा जानवा जी कि निजर उन्नति करने नुह परर उन्नति करने परर उपकार करने से कौन करते इंग्रेज मानू भूली खेती कही प्रजा मंडली हुकुम नहीं डंगा जमा मुलाइबी ना प्रकृत में बाजी राउत धर्मपद किए भगत सिंह एम कहानी अनेक अच्छी जी कि निजर जीवन को परर उपकार प्रदान कर शेषे आम कह सत्कार्य दान श्रेष्ठ दान सत्कर्म बा सत्पथरे सत्कार्य जदि कर्म करवा ही कार्य ही हे वर्तमान आम जो अनुच्छेद को पढ़ला से ही अनुच्छेद भितर के प्रश्न अच्छी से प्रश्न गुड़ एक नंबर अच्छी देख व्याघ्री पुत्र आसी
ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆସି ବାଘୁଣୀଟି କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ବା ବାଘୁଣୀଟି କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଉତ୍ତରେ ଆସିବ ବାଘୁଣୀଟି ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ପୁତ୍ରଗତ ମହାତ୍ମା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ ମହାତ୍ମା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ନିକଟକୁ ବା ବାଘୁଣୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ କଥମ ତୃପ୍ତ ୟାତା ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ବା ବାଘୁଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ବାଘୁଣୀ ଉତ୍ତରରେ ହେବ ବାଘୁଣୀ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସେହି ଦୟାଳୁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କଲା ବୁଦ୍ଧ କତିବାରଂ ସ୍ୱପ୍ରାଣ ତ୍ୟକ୍ତବାନ ବୁଦ୍ଧ କେତେ ଥର ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 100 ଥର ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଧନାନି ଜୀବିତମ ଚ କିମ୍ ନିମିତ୍ତମ ଉତ୍ସୃଜେ ଧନ ଏବଂ ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରେ ଆସିବ ପର ପାଇଁ ପର ପାଇଁ ଧନ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଘରେ ଲେଖିକି ତା ପରଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଦେଖ ଅଧୋଲିଖିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦସ୍ୟ ସାରାଂଶମ୍ ଲିଖତ ତଳରେ ଦିଆହେଇଥିବା ବା ତଳେ ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସାରାଂଶ ଲେଖିବ ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ନାମ କ'ଣ ସନ୍ନିମିତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗ ସନ୍ନିମିତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗ ଅସ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁନର୍ମିଳାମଃ।